नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पत्रम पुष्पम के साथ हमारी सहयोग भी करते रहें। दिल्ली सेंट्रल सर्विसेज अथॉरिटीज़ बिल अंततः पेश हो गया, लोकसभा में पेश हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया और जब बिल को प्रस्तुत किया जा रहा था तो जैसी कि आशा थी विपक्षियों ने बड़ा हंगामा किया और विपक्षियों के हंगामे के बीच में आपने देखा कि किस प्रकार से ध्वनिमत से ही उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया और पुनर्स्थापित करके लिए उसको चर्चा के लिए ले भी लिया गया। अब कल संभवतः उसके ऊपर चर्चा होगी, तो अब ये देखना है कि हमारे सड़ जी के जो साथी हैं वो उसमें साथ में चर्चा में आएंगे या नहीं। यहाँ तो हमने स्पष्ट देखा कि अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर बिल का विरोध करते हुए दिखे, यानी कि पूरी तरह से चमचागिरी करते हुए दिखे सड़ जी की। लेकिन जो आज की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन्होंने इस डॉट 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 की सारी परतें खोल दी हैं, क्योंकि दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो बड़ी घटना हुई जो पुणे में हुई और पुणे में जब लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो न केवल मंच पर शरद पवार जी उपस्थित थे, उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा भी की। तो आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी है उसके जो दो अन्य घटक हैं उनकी क्या स्थिति हो रही होगी और उद्धव ठाकरे क्या सोच रहे होंगे और कांग्रेस वाले क्या सोच रहे होंगे। उनको सबको पता है कि भाई हमारे जो शरद पवार जी हैं वो दो नावों में पैर रखकर चलने के बहुत पुराने उस्ताद हैं। लोग कहते होंगे कि भाई जो दो नावों में पैर रखता है उसकी गति बड़ी विकट होती है, लेकिन यहाँ तो भाई हमारे शरद पवार जी तो इसमें मास्टरी पाए हुए हैं, तो यहाँ ये चल रहा था। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में एक तरफ अधीर रंजन चौधरी समर्थन कर रहे थे सड़ जी का और विरोध में खड़े थे दिल्ली सेंट्रल सर्विसेज अथॉरिटीज़ बिल का, जो कि अध्यादेश को जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए लाई गई थी। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के दिल्ली के जो नेता हैं वो प्रेस को बाइट दे रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर केजरीवाल का समर्थन नहीं करेंगे। तो भाई अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे कांग्रेस का हाल क्या है। और ये ऐसा तो नहीं कि भाई सड़ जी ने ही संदीप दीक्षित को मना लिया हो और ये कहा हो कि संदीप जी आप तो ऐसा करो कि आप इसका खुलकर सड़कों पर विरोध कर दो, स्वयं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लो और इसका विरोध कर दो, जिससे कि हम ये कह सकें कि भाई कांग्रेस ने हमारा पूरा सहयोग नहीं किया इसलिए हम कांग्रेस से अलग होते हैं। ये पूरी संभावना है, आपको पता है हम लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये बिल पास होता है संसद में वैसे ही हमारे सड़ जी जो हैं वो कोई ना कोई बहाना बना के कांग्रेस से पीछा छुड़ा लेंगे। ये हमारी भविष्यवाणी है और हमें पूरा विश्वास है कि भविष्यवाणी सत्य होगी। अब जहाँ तक इस बिल के इस विधेयक के पास होने का प्रश्न है वो तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोरगॉन कंक्लूजन है, यानी कि निष्कर्ष पहले से ही दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो आपको पता है कि लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत है ही, पूर्ण बहुमत क्या लगभग दो तिहाई बहुमत है एनडीए का, साथ में 22 सदस्य लोकसभा में 22 सदस्य हैं YRS कांग्रेस पार्टी के यानी जगन रेड्डी के, उन्होंने समर्थन कर दिया है बिल का, बिल पारित होने के पक्ष में वे वोट डालेंगे ये घोषणा हो गई। उनके ही 7 सांसद जो हैं वो हैं उसमें राज्यसभा में। इसी प्रकार से आज नवीन पटनायक जी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और उन्होंने भी ये कह दिया कि हम लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में बिल का समर्थन करेंगे। लोकसभा में उनके 12 सांसद हैं और 7 सांसद उनके राज्यसभा में हैं।
तो 112 सांसद तो पहले से ही राज्यसभा में थे, 119 चाहिए थे और अब हो गए 112, 7 और 7 यानी 126 की संख्या उनके पास पूरी हो गई। और उसके बाद मुझे और लगता है कि कुछ और भी जो इंडिपेंडेंट इत्यादि हैं और छोटे मोटे दल हैं वो भी आके वही 130 की संख्या आसानी से पहुंच जाएंगे। इसलिए अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस विधेयक के पारित होने में किसी भी प्रकार की अब कोई बाधा नहीं रही है। अब ये देखना है कि भाई सर जी जो हैं वो कल चर्चा भी इस पर करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे तो जो परिपक्व यदि कोई पार्टी होती है तो यह प्रयास करती है कि संसद में वाद करे इसके बारे में, संसद में चर्चा करे। संसद में चर्चा करने से आजकल ये होता है कि भाई आजकल जो है वो अब हम देख रहे हैं कि यह एक ट्रेंड बन गया है कि संसद में जो भी चर्चा होती है महत्वपूर्ण विषयों पर उसको सभी चैनल सीधे संसद टीवी से लेके फीड लेके और दिखाती हैं अपनी चैनल्स पे। तो संसद में जो भी चर्चा कोई करता है तो उसकी बड़ी हाई टीआरपी है। इसीलिए मुझे ये विपक्ष का ये जो तौर तरीका है समझ में नहीं आता कि ये क्यों पार्लियामेंट का ये संसद का बहिष्कार करते हैं, बायकॉट करते हैं, क्योंकि इनको जो टीआरपी वहाँ मिलेगी वो टीआरपी इनको अपने मैनेज चैनल्स पे नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ तो इनको बहुत कम समय दिया जाता है और एक तरह से मंकी बैलेंसिंग की जाती है। उस मंकी बैलेंसिंग में बहुत सारे विषयों को और बहुत सारे दलों को समय देना होता है इनको, तो फिर वो पूरा टाइम इनको देते नहीं। तो अब कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो ये रणनीति नहीं समझ में आती कि आप संसद में चर्चा नहीं करना चाहते, तो संसद में चर्चा आपके अपने स्वयं के विधेयक पर हो रही हो तो उसमें आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहेंगे। बहरहाल ये तो कल स्पष्ट होगा, लेकिन जो पूरी रणनीति है इनकी बहिष्कार करने की उससे जनता में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा। जनता में ये संदेश ये देना ये चाहते हैं इनकी रणनीति, क्योंकि इनकी रणनीति जो है विशेषकर कांग्रेस पार्टी की जो भी रणनीति है वो देश में तो बनती नहीं, वो तो विदेशों में कोई कभी कैम्ब्रिज एनालिटिका बनाती है, कभी कोई उनकी IAMC बनाती है, कभी उनकी कोई ओवरसीज कांग्रेस बनाती है, वो सारी की सारी न्यूयॉर्क और वाशिंगटन और लॉस एंजलिस में और सैन फ्रांसिस्को में उनकी रणनीतियाँ तैयार होती हैं ऐसे लोगों द्वारा जिनको भारत के बारे में कोई भी ज़रा सी भी जानकारी नहीं है, न उसके बारे में कुछ वो समझते हैं। उनका भारत बोध जो है वो शून्य प्राय है। ऐसे लोगों से ये अपनी रणनीतियाँ बनवाते हैं। तो जब ऐसी रणनीतियाँ बनवाते हैं तो ये रणनीति अभी बनाई हुई है इनकी कि भाई पहले आप ऐसा करो कि आप जब संसद को चलने मत दो, संसद में चर्चा मत होने दो, और उसके बाद फिर जब जो शासन अपने विधेयक जल्दीबाजी में या हल्ले गुल्ले में जब पारित करा ले तब ये कहो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमको चर्चा नहीं करने दिया जाता। क्योंकि जैसे संजय सिंह जैसे जो है वो बदतमीजी करते हैं, अपने आप को निलंबित करवा लेते हैं, उनको जानते बूझते, क्योंकि कई बार निलंबित हो चुके हैं संजय सिंह। संजय सिंह के बारे में तो सब जानते हैं, उनकी जो विशेषता है वो तो विशेषता आपको पता ही है, जो सुल्तानपुर में वो जो काम करते थे सिनेमा हॉल में, अब यहाँ पे भी वही करने का प्रयास कर रहे हों तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यदि किसी भी प्रकार का मान लीजिए कोई टिकट लगता होता संसद में आने का तो संजय सिंह जो है यहाँ भी कोई अपना सेटिंग कर लेते और उसमें भी ठीक ठाक कमाई कर लेते, लेकिन यहाँ और कुछ नहीं है तो फिर ये करते रहते हैं। अब निलंबित हो गए तो अब राज्यसभा में कुल 3 सांसद थे, उनके अब 2 ही बचे हैं जो वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि वे चर्चा में भाग लेने के अब बजाय यह अधिक उचित समझे कि बायकॉट किया जाए या वॉकआउट किया जाए या हल्ला गुल्ला किया जाए। अब ये तो कल देखने में आएगा कि क्या होगा, लेकिन स्थिति तो अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि ये जो इंडिया विद डॉट्स है या जो डॉट 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 है ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। एक ही इसमें कुछ थोड़ी बहुत जो सामंजस्य बैठा था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बैठता दिख रहा था, वो भी मैंने आपको बताया कि वो भी जो है वो तभी तक है जब तक कि यह विधेयक पारित नहीं हो जाता। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि सर जी जो है पुनः
अपने पंख फैलाना आरंभ कर देंगे, क्योंकि अंततः उन्होंने ये सौदेबाजी इस आशा में की थी कि वो कुछ और लोगों को भी पटा लेंगे, लेकिन और कुछ तो हो नहीं पाया, तो बिल तो पारित हो ही जाएगा। अब क्या सड़ जी जो है वो उनका जो आगे का विस्तार का प्लान है, जो योजना है उनकी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वो छोड़ देंगे? कतई नहीं। उनका तो बिल्कुल स्पष्ट है मंतव्य कि वे कांग्रेस को पीछे छोड़ के पहले दो नंबर की पार्टी बनना चाहते हैं, वे अवश्य यही करेंगे। तो सड़ जी को कल देखिएगा कि किसको कैसा सड़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।